कल विद्युत विभाग के 32 ऑफिस की तालाबंदी के बाद आज सुखू सरकार ने डी नोटिफाई किए 300 के करीब अन्य संस्थान। 10 दिन में ओपीएस की बहाली न होना व चले चलाए दफ्तर बंद किया जाना सोशल मीडिया पर चर्चा में। ऑफिस तथा इंस्टीट्यूट बंद किए जाने से प्रदेश के विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के लोगों में नाराजगी। पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन के अलावा महिलाओं को 1500 रुपए भत्ता व 1,00,000 नौकरियां जैसे वादे किए जाने को भी लोग बता रहे हैं अब तक मंत्रिमंडल का गठन न होने का एक कारण। हिमाचल की नई नवेली कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू की सरकार द्वारा कल जहां विद्युत विभाग के 32 सर्कल डिवीजन व सब डिवीजन जैसे संस्थानों को डीनोटिफाई कर इनमें ताले लगाने का इंतजाम किया गया, वहीं आज फिर जानकारी के अनुसार 300 के करीब राजस्व, स्वास्थ्य व वन विभाग के इंस्टीट्यूट अथवा ऑफिस डीनोटिफाई किए गए। नई सरकार द्वारा जानकारी के अनुसार आज एक तरफ जहां राजस्व विभाग के 111 तहसील, सब तहसील व बंटवार सर्कल जैसे ऑफिस डीनोटिफाई किए गए, वहीं अस्पताल, पीएससी व सीएससी जैसे 180 के करीब स्वास्थ्य संस्थानों की भी पिछली अधिसूचना नई नवेली सरकार ने रद्द कर दी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के 16 व वन विभाग का भी एक डिविजनल ऑफिस जानकारी के अनुसार डीनोटिफाई हुआ। सोशल मीडिया पर अभी इस बात को लेकर चर्चा व बहस शुरू हो चुकी है कि 10 दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की चुनावी गारंटी दे चुकी कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू की सरकार चले चलाए दफ्तर बंद कर जनता का ध्यान ओपीएस व महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता जैसे वादों से डाइवर्ट करना चाह रही है। इसके अलावा लोग पहली कैबिनेट में 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने, 300 यूनिट फ्री बिजली व गोबर तथा दूध की खरीद जैसी गारंटी को भी चर्चा का विषय बनाए हुए हैं और इस बारे कई मसालेदार पोस्ट अथवा मीम भी शेयर किए जा रहे हैं। 300 से अधिक सरकारी दफ्तर अथवा इंस्टीट्यूट बंद किए जाने अथवा इनका दर्जा घटाए जाने से नाराज सूबे के विभिन्न क्षेत्रों के कई लोग जहां कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहे हैं, वहीं आज सूबे के कई भाजपा नेता भी इस बारे नई सरकार का तीखा कटाक्ष करते देखे गए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो नई सरकार अथवा मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को चुनावी वादे पूरे न कर पाने की सूरत में कम से कम चले चलाए संस्थान अथवा दफ्तर बंद न करने की राय भी दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों में जिन 300 से ज्यादा दफ्तरों अथवा संस्थानों को डीनोटिफाई किया गया है, उनमें से बंद हुए ऑफिस के स्टाफ को हेड ऑफिस तलब किया गया है। उधर पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी ने कैबिनेट के गठन से पहले ही नए मुख्यमंत्री द्वारा सैकड़ों संस्थान डीनोटिफाई किए जाने को तुगलकी फरमान बताया और जल्द इस बारे फैसला बदलने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री व 10 दिन पहले बनी हिमाचल की सरकार को चेताया कि यदि उप संस्थान बंद हुए तो प्रदेश भर में जनता सड़कों पर उतर आएगी। ये सारी नोटिफिकेशन सारे इंस्टीट्यूट आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में खोले थे। सरकार बदली है, हिमाचल प्रदेश के लोग भी वही हैं और हिमाचल प्रदेश भी वही है। जब पूर्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री थे, बहुत से इंस्टीट्यूट उन्होंने भी अंतिम वर्ष में खोले थे सैकड़ों की संख्या में। इसलिए मैं आज उनसे केवल यही आग्रह करना चाहता हूं कि बदले की भावना से काम करना छोड़ें, अन्यथा उनके खिलाफ धरने प्रदर्शन भी होंगे और हम कोर्ट की भी मदद लेंगे। ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ सरासर अन्याय है। चाहिए तो उनको ये था, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों से वायदा किया था, 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी थी, बस सरकार बनाइए 10 दिन के अंदर अंदर 10 गारंटियां पूरी कर दें। उन्होंने कहा था ओपीएस लागू कर देंगे, उन्होंने कहा था कि 18 साल से 60 साल की सभी महिलाओं को प्रति महीना 1500 रुपए देंगे। आज भी वो उनके जो बैनर हैं वो जगह जगह पर लगे। हर वर्ष हिमाचल प्रदेश के लोगों को 1,00,000 नौकरियां देंगे सरकारी सेक्टर में, इन वायदों को पूरा करें। इधर उधर की बातों में ना जाएं, ना अपना समय बर्बाद करें, ना हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्रदर्शन के लिए मजबूर करें।